कराची में बारिश के पिछले तमाम रिकॉर्ड टूट गए। 12 घंटे में 223.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। हर जानिब खौफनाक तबाही। दो दिन में 41 जानें चली गईं, जो हर मोड़ पर साइमा स्क्वायर 1 की दीवार गिर गई। एक खानदान के 6 अफराद जान बहक। जुम्मे को कराची में छुट्टी का ऐलान। बारिश मुतासरीन की मुश्किलात का एहसास है। वज़ीर आज़म का कराची वालों के नाम पैगाम। कहा, रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन खुद मॉनिटर कर रहा हूँ। चेयरमैन NDMA और गवर्नर सिंध से मुसलसल रबते में है। सिंध के वड्डे साईं सैलाब ज़दा शहर के दौरे पर निकल पड़े। सईद गनी, नासिर शाह और कमिश्नर कराची भी मौजूद। शाराए फैसल और गुलशन इकबाल समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की सूरत हाल का जायजा लिया। बारिश के बाद के इलेक्ट्रिक की मेहरबानी। कराची के 80% इलाके में बिजली बंद। जो लोग घरों में हैं वो महसूर, जो निकले वो रुल गए। क्या कच्ची और क्या अच्छी आबादी, सब जेरे आब आ गई। निकासी का कोई निजाम नहीं। घरों से अंडरपासेस तक हर जगह पानी ही पानी। और बलोचिस्तान में तूफानी बारिशें। हब डैम में पानी की सतह में इजाफा। 13 साल बाद हब डैम भर गया। स्पिलवे से पानी का अखराज जारी। मंगला डैम की गुंजाइश खत्म हो गई। इजाफी पानी दरियाए जेहलम में छोड़ा जाएगा।